subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना गुलजार साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम राना साहब, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तो मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। अभी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अंदरून सिंध में एक इज्तमा था, उससे खिताब के दौरान ये कहा था कि हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की एक ढीले की भी मदद नहीं की और अब बहुत हो चुका है और मैं अब जो है कि हुकूक लेने के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का इशारा दिया। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया वकार भाई आपने बुलाया। देखिए वकार भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी डिक्टेटर की जमात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की जमात है और आवाम के वोटों से मुंतखब करदा हुकूमत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी ज़ाती ज़बान इस्तेमाल नहीं करते, वो आवाम की ज़बान इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आवामी लीडर हैं। जहाँ तक बात इस्लामाबाद की तो देखिए, वफाक में जब इमरान खान की गवर्नमेंट मुंतखब हुई तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर मुबारकबाद दी थी इमरान खान साहब को कि खान साहब, कौम को आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और आपको इख्तदार मिला है और अल्लाह ने आपको इख्तदार दिया है, तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं और रजाकाराना तौर पर हमारी हिमायत आपके साथ है। लेकिन बदकिस्मती, इमरान खान साहब ने हमारी खुलूस नीयत को, हमारी मोहब्बत को उन्होंने न जाने किस जुमरे में समझा। उन्होंने पिछले साल भी NFC अवार्ड हमें नहीं दिया, 1 अरब 62 करोड़ पहले थे, 60 करोड़ रुपए पहले थे, 200 करोड़ ये थे, 162 करोड़ जो है पिछले साल के थे और 200 अरब जो है ये थे और 60 अरब पहले के थे। तो 2 साल से उन्होंने हमें जो है वो नहीं NFC अवार्ड नहीं दिया, तो हमें बड़ी तशवीश है इस बात पे और हम इमरान खान साहब से गुजारिश करते हैं कि वो जो सिंध का हक है वो सिंध को दिया जाए। दूसरा, चीफ जस्टिस साहब के पास भी कुछ पैसे मौजूद हैं जो बहरिया टाउन से और दूसरी जगहों से मिले हैं, तो हम चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो सिंध का पैसा है वो सिंध पर ख़र्च किया जाए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोई शौक़ नहीं है कि वो इस्लामाबाद में धरना दें, वो आवाम के लिए धरने की बात कर रहे हैं, अपनी ज़ाती किसी चीज़ के लिए नहीं। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जो NFC अवार्ड के पैसे हैं वो हुकूमत सिंध को दे। वफाक की वज़रा के तवस्सुस से हमारे इल्म में ये बात आई और बबांगे दोहल ये कहते हैं कि हमें सिंध हुकूमत के वज़रा पर एतमाद नहीं है और अलानिया तौर पर ये कह चुके हैं कि जो रकम है करप्शन की नज़र हो जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अलानिया वो इल्ज़ाम लगाते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, वफाकी हुकूमत हो या इमरान खान साहब हो, यही एक अलमिया है। इस अलमिया से बड़ा ताज्जुब होता है कि जब पीपल्स पार्टी में यही वज़रा पीपल्स पार्टी में थे, आज वो किसी और जमात में, मिसाल के हुक्मरान जमात में चले गए हैं, तो आज वो जो ये बात कर रहे हैं, तो ये बात मेरी तो समझ नहीं आती कि वो किस तरह से ये बात कर रहे हैं कि कल वही तो यहाँ लूट खसोट कर रहे थे पीपल्स पार्टी में और आज वो वहाँ चले गए और फिर वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ वो अपना एहतसाब करें और वो नैब के सामने सब जगह अपने आप को पेश करें। इमरान खान साहब जो कल बात कर रहे थे आवाम की फलाह की, आवाम की मोहब्बत की और आवाम के लिए बड़ी खिदमत गुजारी की जो बात कर रहे थे, तो इमरान खान को अल्लाह ताला ने वो वक्त दे दिया और वो तमाम चीज़ें दे दी गई हैं कि जनाबे वाला अब आपके हाथ में है, आप आवाम की खिदमत करें। तो मैं ये समझता हूँ वो 2 साल के अंदर कोई एक काम जो नुकात वो बताते थे उसमें कोई एक काम किया उन्होंने नहीं किया। वो कहते थे कि जी महंगाई जब होगी तो उसमें हुक्मरान जो है वो अमीर होते हैं, तो आज जो महंगाई की
शराह मैं समझता हूँ 500% से ऊपर जा चुकी है। आपका मैं ख़ास तौर पे अशियाए खुर्दनोश की बात करूँगा जिसका गरीब से ताल्लुक़ है, तो चीनी आप देखें 100 रुपये से भी ऊपर की कीमत हो चुकी है, आटा 80 रुपये किलो हो चुका है, दूध 120 रुपये किलो हो चुका है, आप देखें पेट्रोल जो है फिर उसकी कीमत जो है ऊपर जा रही है। बिल्कुल अपनी तो, हकीकतें हैं, लेकिन वो तो आवाम को ये कह रहे हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है, वो तो नबी सुना रहे हैं, देखें बुरा वक्त हालात काम फेस किए हमने, लेकिन वो ये साथ साथ नबीद भी दे रहे हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है, बुरे वक्त के बाद अच्छा ही वक्त। जी हम उनको मुबारकबाद देते हैं, अच्छा वक्त आ जाए तो इमरान खान साहब आपका शुक्रिया, आप माशाल्लाह पूरी कौम को आज से थोड़ी तो 22 साल से नबीद दे रहे हैं कि जी मुझे आप वज़ीर आज़म बना दें, मैं दूध और शहद की नहरें बहा दूँगा, मैं सोने के रोड बना दूंगा, मैं बहुत सारी ऐसी मैं इस्लाहात लेकर आ जाऊंगा। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि 2 साल उनको इख्तदार में हो चुके हैं तो किसी एक शिक पे अमल हुआ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि किसी एक शिक पे अमल किया तो खान साहब कब करेंगे। फिर उसके बाद आप एक जुमला कहते हैं कि जी अभी तो हमें 2 ही साल तो हुए, जनाबे वाला आप तो कह रहे थे तो 2 साल में आप बिजली की कीमत देखें कि बिजली का जो टैरिफ है वो 27 रुपये कुछ पैसे उन्होंने एक दफ़ा बढ़ाए, 2 रुपये अभी फिर बढ़ाए। आप बिजली की कीमत को देखें, गैस की कीमत देखें, आप डॉलर की कीमत को आप देख लें, डॉलर 170 रुपये का हो चुका है। जनाबे वाला आपकी हमारी शराह जो है वो कहाँ जा चुकी है। आपने कहा जी मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, कौन मतलब गवाह है इस चीज़ की। ठीक है जी आप नहीं जाएंगे। जब खान साहब की हुकूमत आई तो एक पाकिस्तानी 35,000 रुपये का कर्जदार, 1,35,000 रुपये का कर्जदार था, आज एक पाकिस्तानी 9,45,000 रुपये का कर्जदार है। ये पैसे कहाँ हैं। आप देखिए बैंड डैम फंड में भी पैसे आए हैं, सऊदी अरब से भी पैसे आए हैं, कतर से भी पैसे आए हैं, दुबई से भी पैसे आए हैं। तो ये दावा करते हैं कि जो कर्ज है, कर्ज साबका हुकूमतों ने लिया, साबका अदवार में लिया गया, हम उसका सूद अदा कर रहे हैं, वही दावा करते हैं। जी जी बहुत अच्छी बात की। देखिए जनाब वाला साबका हुकूमत तो थी ही गलत, वो तो सही थी नहीं। मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ जनाब कि 70 साल से जो हुकूमतें थी वो आवाम दोस्त नहीं थी। अवाम दोस्त हुकूमत तो आई अभी है जो गुज़िश्ता 2 साल से है, तो जनाबे वाला उस अवाम दोस्त का कोई एक एकदम तो बताइए ना कि जी क्या आटा 20 रुपये किलो हुआ, क्या चीनी 30 रुपये किलो हुई, क्या दूध 25 रुपये किलो हुआ, क्या बिजली जो है वो आपका 3 रुपये पर यूनिट हुई, क्या गैस आपका 2 रुपये यूनिट हुआ, क्यों नहीं हुआ। जनाबे वाला वो तो सारे गलत लोग थे। उस गलत लोगों में जब वो छोड़ कर गए तो पाकिस्तानी एक शख्स 1,35,000 रुपये का कर्जदार था, आज अच्छी हुकूमत आई है, ईमानदार हुकूमत आई है, खजाना भरा होना चाहिए, जो खजाना खाली बताती है 9,45,000 रुपये का एक पाकिस्तानी कर्जदार हो गया। तो जनाबे वाला ये अच्छाई कहाँ है। अलीमा बाजी जो उन्होंने एमनेस्टी स्कीम निकाली, अपनी बहन को क्लियर करा लिया, चीनी चोर इनकी सफ़ों में मौजूद हैं, आटा चोर इनकी सफ़ों में मौजूद हैं, इनकी सफ़ों में तो सारे लोग मौजूद हैं। तो जनाबे वाला ये जो एहतसाब का रोना रोते हैं, जो कौम को गुमराह करते हैं, मेरी गुजारिश ये है कि एहतसाब सब का होना चाहिए, एहतसाब इनसे शुरू करना चाहिए। देखिए जब आदमी अपने आप से एहतसाब शुरू करता है तो मैं ये समझता हूँ कि कौम भी इस बात पर मुतमईन होगी कि एक शख्स ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। आज ये कहते हैं कि जी खान साहब की नीयत पे शक नहीं है। अरे जनाब नीयत पे तो किसी की भी शक नहीं है। आप कौम के सामने अपने आप को पेश क्यों नहीं करते, आपके लोग अपने आप को पेश क्यों नहीं करते। खुसरो बख्तियार ने 4 अरब से ज़्यादा की सब्सिडी ले ली, किस खाते में ली। आपके जहांगीर तरीन ने 1 अरब रुपये की सब्सिडी ली, क्यों दी गई, आपकी गवर्नमेंट है जनाब, आपने क्यों सब्सिडी दी, नहीं देनी चाहिए। हाजियों को तो आपने सब्सिडी नहीं दी, पिछले साल की बात करो, इस साल तो हाजी गए नहीं, तो पिछले साल जो हाजी थे आपने हाजियों को तो सब्सिडी नहीं दी, आपने जहांगीर तरीन को सब्सिडी दे दी, आपने खुसरो बख्तियार को सब्सिडी दे दी, आपने अपने लोगों के पास रहने वालों को सब्सिडी दे दी, ये
काबिल मज़म्मत बात है। यकीनी तौर पर ये काबिल मज़म्मत है। आपको सानिया मोटरवे आपके इल्म में यकीनन आया होगा, आज पाकिस्तान में ना कोई बच्ची महफूज है ना कोई माएँ महफूज हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मैं इस आवाज़ बुलंद करती रहेगी कि अमली तौर पर भी कोई इकदाम उठाएगी? देखिए जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मजम्मत करती है और इस बात से सानिया मोटरवे से पहले भी आप चले जाएं तो जब वो शहरयार आफरीदी वज़ीरे मुमलिकत थे तो एक केस हुआ था मोटरवे पे, वो एक शख्स को मार दिया गया था, उसमें भी आप देखिए कि क्या हुआ। फिर राणा सनाउल्लाह का एक वाक़या हुआ, उसमें क्या हुआ, उन पे भी ढेरों मंशियात की। देखिए मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत अखलाकी जवाज खो बैठी है, इनको अच्छी हुक्मरानी कायम नहीं कर पा सक रही है। शहर क्या सूबा गांव मुल्क पूरी रियासत में अगर कोई ऐसा इकदाम होता है वो काबिल मजम्मत बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मजम्मत करती है और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पूरे पाकिस्तान के दौरे पर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और वो अवामी रायामा को हमवार कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी सीसी की जो बॉडी है वो बिल्कुल फैसला करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की भी आराएं चेयरमैन साहब ले रहे हैं। जैसे ही तो ये मामलात मुकम्मल होंगे और पार्टी जो भी मुसबत फैसला करेगी चेयरमैन साहब उस पर अमल करेंगे। अच्छा, इस सानिये के बाद वज़ीर आज़म साहब की जानिब से ही ऐलान किया गया कि ये जो मुजरिम हैं ये इस वाक़े के उनकी जिनसी सलाहियत को ख़त्म कर देना चाहिए और उन्हें सरेआम फांसी के हामी हैं उन्होंने कहा है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही, क्या वजह है? नहीं देखिए, ये मैं फिर वही कहूँगा कि जी आप उसकी जिनसी सलाहियत ख़त्म कर दें, बात ये वाक़यात पेश कैसे हुए, ये वाकयात होने नहीं चाहिए, रुनुमा नहीं होने चाहिए। ये वाकयात होते उसी वक्त हैं कि जब बेरोज़गारी हो। प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है, आइंदा के लिए अपने मेज़बान वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.